सतारा सेक्टर बस स्टैंड में, सतारा के बस स्टैंड, सत्रह के बस स्टैंड में मैं चढ़ा हुआ अभी यहाँ पे। और इसका किराया है हाउसिंग बोर्ड से सेक्टर सतारा तक 35 रुपये। पूरी खाली खाली सीट पूरी की पूरी भरी हो गया फिलहाल में, पूरी खाली है। लोकल बस स्टैंड ऐसे लोकल की गाड़ियाँ मिलेंगी आपको, और जितना है वो मिलेगा आगे। उत्तराखंड परिवहन की बसें हैं वो मिलेंगे हमको आगे, यहाँ पे है अनलोडिंग का। और यहाँ पे मिलेंगे सारी लोकल की बसें, लोकल जो चंडीगढ़ के आसपास जहाँ पर घूमते हैं वो बसें मिलेंगी यहाँ पे सारी। बाकी जो लॉन्ग रूट जानी है जो बसें वो इससे अगली तरफ को मिलेंगे। देखें अनलोडिंग प्लेटफॉर्म है, बाकी का आगे मिलेगा आपको। वहाँ से मिलेंगे आपको अन्य जगहों के लिए, बाहर के लिए, जैसे उत्तराखंड के लिए तो कहीं और आपको जाना है तो उस साइड को था पूरा जो लोकल चंडीगढ़ के लिए है। वहाँ से जाएंगे बाहर के लिए, चंडीगढ़ से बाहर जैसे लुधियाना अम्बाला इस साइड को जब जाना है तो बसों में ही। यहाँ मिलेंगे आपको सारे उत्तराखंड परिवहन के, यह है हल्द्वानी चंडीगढ़ सारी बसें हैं उत्तराखंड परिवहन के। ये है हमारी बस हल्द्वानी अल्मोड़ा डिपो वाली, कल ये कैंसिल हो चुकी थी आज आ चुकी है। अल्मोड़ा ऑनलाइन है, कल तो कैंसिल हो गया। ये क्या चीज़ है यार, बोल। ये वीडियो बन रही है यूट्यूब में डालते हैं। अच्छा अच्छा, कल तो कैंसिल हो गया। आया कल कैंसिल हो गई, कल गाड़ी खराब हो गई। तो मिलेगा मेरे को उसका रिफंड? वहाँ करा था आपने? मैंने मेल तो करा है। हाँ तो मिल जाएगा। कल स्वागत है आपका मेरे चैनल नोमैडिक टॉकली ब्लॉग में। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ, गोविंद टापली। फिर से मैं आ गया हूँ सतारा सेक्टर में चंडीगढ़ के। कल का मेरा जो टिकट था वो कैंसिल हो चुका था तो इस वजह से मैं नहीं जा पाया। तो आज मैं फिर बस में सामान रख चुके हैं आप, और ये रही 14 नंबर टाइम है वो। दोनों आ जा रहे हैं नज़दीक में, नज़दीक की वीडियो बनाने के लिए होता है। गोप्रो है, कितने का आता है ये? 36,000 का। यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं ना यूट्यूबर, हम यूट्यूब में डालते हैं। तुम कहाँ से?
है यमुना नगर में, जहाँ पर उत्तराखंड परिवहन द्वारा प्रसिद्ध तो अनुबंधित है, तो यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए ले आते हैं। चंडीगढ़ से चलते हुए हमको हो चुका है दो घंटे में हम पहुँचे हैं यहाँ पे। ये है मनका मन की हिमाचल ढाबा करके है सामने में। अभी यहाँ पे जैसे चाय पानी पियेंगे तो उसके बाद फिर जाएंगे आगे। फिर आगे ये पानी पीते हैं के आसपास, तो वहाँ पर पाने के बाद फिर यही चलते हुए जाएगी सीधे हल्द्वानी होते हुए अल्मोड़ा को। पूरे रास्ते का मैं दिखाता रहूँगा। ये है हम फिलहाल मनका में। देख सकते हैं सारे उत्तराखंड परिवहन की बसें हैं यहाँ। ये हरिद्वार बाजपुर उत्तरपुर बनबसा वाली है, अल्मोड़ा वाली, अल्मोड़ा डिपो पहले से ही लगी है। तो ये है रामपुर डिपो 04। ये है हरिद्वार का रेस्टोरेंट। ये पहुंचे हम हरिद्वार में। हरिद्वार का ताकला हो गए गुरु। अरे ताकला होके जाओगे हो गए ताकला। हाँ हाँ आगे हाँ जरूर क्यों जाएंगे इतना लंबा। गरुड़ तो बहुत दूर हो जाएगा। कोई बात नहीं लाजी यार, हम दूसरे में आ जाएंगे। फ्रेंड्स सुबह सुबह का व्यू कुछ इस तरह से है मेरे गांव का और मेरे घर से। सामने में आप देख सकते हैं कोतला, वो तो है सामने में, वहां पर अभी भी बर्फ है। और ये हमारे खेत, ये लगे हैं
काम में कर रहे हैं सरसों तदारक है वो ये क्यों रहता है डांट है छवाने हो ये कर रहे हैं सरसों फिर बनाएंगे तेल सरसों भी छड़ चुका है बारिश से लगातार बारिश है 3-4 दिन से यहाँ उससे भी ज़्यादा दिन से बारिश है तो अभी सुबह सुबह कुछ इस तरह का नज़ारा है गांव में और आज बैसाख पूर्णिमा भी है मेला लगा हुआ है भद्रतुंगा में मिनी कुंभ का पर मैं बहुत थका हूँ परसों चला था चंडीगढ़ से तो रात भर बस में सफ़र करते हुए फिर बागेश्वर से बाइक चलाते हुए काफ़ी थकान हो चुकी है तो इस वजह से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ नाश्ता करते हैं फिर सो जाते हैं फिर से बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स तो मैं पहुंच चुका हूं घर में और मैं दिखाता हूं आजकल यहां का कैसा हाल है आप देख सकते हैं एकदम सामने में कोतला में अभी भी बर्फ़ है पूरी बर्फ़ है और ऊपर देखो बादल छाए हुए हैं पूरे बादल का और फसल मौसम बरसात से फसल भी बर्बाद हो चुकी है